स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विदिशा इंडियन किचन में। आज हम बनाएंगे मखाने का हलवा, जो कि व्रत में खाने के लिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ है और बहुत ही जल्दी बन जाती है और ये बहुत ही हेल्दी होती है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाकर खाएं। कैसे लगे हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं नवरात्रि स्पेशल व्रत में खाने के लिए मखाने का हलवा। तो चलिए हम देख लेते हैं मखाने का हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये हमने 2 कप मखाना ले लिया है, 1 कप चीनी, 1 कप दूध, दूध आप रूम टेम्परेचर पर ही लिए, देसी घी, कटे हुए बादाम और किशमिश, ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकती हैं और इलायची पाउडर। तो हम बनाना शुरू करते हैं मखाने का हलवा। उसके लिए हमने एक कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 बड़ी चम्मच देसी घी। घी मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें ये मखाने डाल देते हैं। इसे चलाते हुए हम भूनना है हमें इसे। मखाना हमारा भून चुका है, अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे। अब इस भुने हुए मखाने को हम मिक्सी के जार में डाल के इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने मखाने का पाउडर तैयार कर लिया है, एकदम महीन पाउडर है। अब हम इसका हलवा बनाएंगे। कढ़ाई गरम है हमारा, कढ़ाई में हम डालेंगे 1.5 चम्मच घी, 1/2 घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं मखाने का पाउडर। इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो ये बहुत जल्दी जलने लगता है। इसे चलाते हुए तक 2 मिनट तक भुनेंगे, क्योंकि मखाना हमारा पहले से भुना हुआ है, उसके से ज़्यादा नहीं भुनना है। 2 मिनट हो चुके हैं इस पाउडर को भूनते हुए। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 मिनट। डालने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। 2 मिनट डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। हमने 1/2 कटोरी चीनी यूज़ कर लिया है। चीनी डालने के बाद हम इसे एक बार मिला देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। अब इसे अच्छी तरह से पकाएंगे हम। ये देखिए दूध सूख चुका है, हलवा हमारा तैयार हो चुका है। एक बार ज़रूर बना के खाएं इस हलवे को। कैसे लगे हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ।